कि वहां पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी फिर, तो रटना नहीं है किसी भी चीज को. देन यूज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एज अ. हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज भावना शर्मा. वेलकम टू आवर चैनल. आई एम अ करियर साइकोलॉजिस्ट हियर. टुडे वी डिस्कस अबाउट सम टिक्स फॉर आईआईटी एग्जाम प्रिपरेशन, कि आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको डिटेल्स दूंगी कि कैसे आपको मतलब अपडेट रहना चाहिए सारी चीज़ों से, कैसे अपने माइंड को सेटअप रखना चाहिए उसके बारे में थोड़ी थोड़ी टिप्स मैं आपको दूंगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी आपका है उसमें आपकी स्टडी स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि सबसे पहले आपको स्टडी स्ट्रेटजी के बारे में पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, कैसे आप उसको टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, कैसे आप अपना टाइम टेबल मैनेज कर रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो आपको सिलेबस पता होना चाहिए आईआईटी एग्जाम्स के बारे में, आईआईटी मेंस और एडवांस के लिए जो भी आपका सिलेबस होता है. देन उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्ट्रेटजी प्लान बनाइए. तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द सिलेबस. सबसे पहले आपको सिलेबस के बारे में पता करना है कि आईआईटी के एग्जाम्स का सिलेबस क्या होता है, योर सेल्फ विद एंटायर सिलेबस. और ऐसा नहीं है कि आपने कुछ टॉपिक्स का सिलेबस देखा है बस हो गया, पूरे सारा का सारा सिलेबस जो भी आपका होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों का आपको सिलेबस देखना है और उसके टॉपिक वाइज सिलेबस देखना है कि कैसे उसका क्या सिलेबस होता है. प्रायोरिटाइज टॉपिक बेस्ड ऑन वेटेज एंड डिफिकल्टी. इसके बाद आपको क्या करना है, जब आप सिलेबस देख लेंगे तो उसमें आपको एक ब्रीफ आइडिया लग जाएगा कि कौन से आपके थोड़े हार्ड टॉपिक्स हैं और कौन से आपके थोड़े से इजी टॉपिक हैं. तो जो हार्ड टॉपिक होंगे उनको आप पहले कवर कर लेंगे, एंड इजी टॉपिक जो होंगे उनमें जिनमें आपको पता है कि थोड़ा कम टाइम लगने वाला है उनको आप थोड़ा बाद के लिए भी सेटअप कर सकते हैं. ठीक है, सेकेंड आपका रहेगा क्रिएट अ टाइम टेबल. दैट मीन्स आपको एक टाइम टेबल बनाना होगा, प्रॉपर आपको टाइम टेबल बनाना होगा कि लाइक फिजिक्स को सपोज आप दिन के 7 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, सो उसमें से 2 घंटा आप फिजिक्स के लिए दे रहे हैं, 2 घंटा आप केमिस्ट्री के लिए दे रहे हैं, फिर 2 घंटा आप मैथ्स के लिए दे रहे हैं, एंड देन 1 आवर आप पिछला जो भी आपका आपने डे में पढ़ा होगा उसको रिविजन के लिए दे रहे हैं. सो इस टाइप से फर्स्ट सेकेंड नंबर पर आपको जो जो भी आपका स्टडी प्लान है उसके हिसाब से आपको टाइम टेबल बनाना होगा. ठीक है, स्टडी प्लान दैट एलोकेट्स टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट. और ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ फिजिक्स को ही टाइम दे रहे हैं या फिर सिर्फ केमिस्ट्री पढ़े जा रहे हैं या मैथ्स को ही कवर किए जा रहे हैं. इससे क्या होगा कि बाकी अदर जो 2 सब्जेक्ट आपके रहेंगे वो आपके वीक हो जाएंगे. ठीक है, और किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको हर सब्जेक्ट में पासिंग स्कोर लाना ज़रूरी है. ठीक है, इनफैक्ट आपको सपोज आपके 3 सब्जेक्ट आ रहे हैं किसी टॉपिक किसी एग्जाम में, तो तीनों के तीनों सब्जेक्ट की नॉलेज आपको इक्वल इक्वल पार्ट में होनी चाहिए. देन कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी. ठीक है, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट रादर देन रोट लर्निंग. रोट लर्निंग आपको नहीं करनी है, रोट मेमोराइजेशन. रटना नहीं है किसी भी चीज़ को, जितना आप रटेंगे उतना आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि रटेंगे तो रटने पे शायद उस टाइम पे आपको बहुत कम टाइम में चीज़ें लर्न हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, लेकिन जैसे ही आप उससे आगे वाले टॉपिक पे करेंगे जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी फिर. तो रटना नहीं है किसी भी चीज़ को. देन यूज़ एन सी आर टी टेक्स्ट बुक एज अ बेस बिफोर मूविंग ऑन टू एडवांस बुक. सबसे पहले आपको एन सी आर टी की बुक्स कवर करनी है, टेक्स्ट बुक कवर करनी है. ठीक है, एन सी आर टी का पूरा सिलेबस कवर करने के बाद ही आप एडवांस बुक पे स्विच करिएगा, अदरवाइज आपको एडवांस बुक्स पढ़ने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी. देन आपका जो फोर्थ है, फोर्थ नंबर पर आप प्रैक्टिस रेगुलरली. कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, कोई भी टॉपिक आप कवर कर रहे हैं, उसमें आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि कोई भी टॉपिक आपने कवर कर लिया है फिर 2-3 दिन आपने उसको रिवाइज्ड ही नहीं किया है, उसके बाद आप सोचें कि 1 मंथ बाद आप उसको पढ़ के देखेंगे. तो जैसे ही 1 मंथ बाद आप उसको पढ़ेंगे आप देखेंगे कि आप बहुत सारा उसमें से भूल चुके होंगे. सो रेगुलरली उस चीज़ की प्रैक्टिस में रही है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैथ्स के कुछ क्वेश्चन कर दिए हैं फिर उसको छोड़ दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, क्वेश्चन पेपर लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लीजिए, टेक मॉक टेस्ट. और ये सारी चीज़ें आपको शुरू में शुरू नहीं करनी है,
जब आपका आधे से ज़्यादा सिलेबस आपको लगता है कि कवर हो गया है, देन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर स्टार्ट करने हैं एंड उसके बाद ही आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट से आपको दो फायदे होंगे। पहला, आपको ये रहेगा कि आपको पता चल जाएगा कि कितना आप कर पा रहे हैं, और एग्ज़ाम से पहले आपको एक स्ट्रेटेजी बनाने का टाइम मिल जाएगा कि लाइक ये सब्जेक्ट मेरा, सपोज़ आप कोई भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, उसमें आप पहले आप सब्जेक्ट वाइज देखेंगे कि आपका स्कोर क्या, ओवरऑल देखेंगे, फिर सब्जेक्ट वाइज देखेंगे। तो जैसे जैसे आप उसको करते जाएंगे, आपको एक तो ये पता चल जाएगा कि आपका लेवल क्या है, आप एग्ज़ाम में बैठने से पहले कितना प्रिपेयर हो चुके हैं, ठीक है। और एक दूसरा ये रहेगा कि जिस भी टॉपिक में आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो उसके लिए आपको थोड़ा टाइम मिल जाएगा, आप उसकी प्रैक्टिस दोबारा से थोड़ा और अच्छे तरीके से कर पाएंगे। दिस विल हेल्प यू अकोमोडेट एंड द एग्ज़ाम फॉर्मेट एंड टाइमिंग। ये आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम के फॉर्मेट में टाइम को मैनेज करने के लिए। नेक्स्ट आपका देखते हैं, फिर है आपका रिसोर्स। आपके रिसोर्स क्या रहने चाहिए एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। सबसे पहले आपको राइट बुक्स कलेक्ट करनी है। ऐसे मार्केट में काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल हैं, सो आप रेफरेंस के लिए कोई भी बुक ले सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ बुक्स के नेम आपको बता रही हूँ, सो आप उनको अपनी पढ़ाई में इंक्लूड कर सकते हैं। फर्स्ट, फिजिक्स के लिए आप कौन कौन से राइटर्स की बुक ले सकते हैं, एच सी वर्मा की ले सकते हैं, डीसी पांडे की बुक आप ले सकते हैं। सेकंड, आपके केमिस्ट्री के लिए आप ओपी टंडन की बुक ले सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक्स तो आप लेंगे ही लेंगे। फिर आप मैथमेटिक्स के लिए आरडी शर्मा, केनेज सीरीज, ये सारे कुछ मेरे हिसाब से जो मुझे सही लगता है मैंने आपको सजेस्ट किया है। अदरवाइज जिस भी बुक से आप पढ़ना आपको अच्छा लगता है, आप वो बुक्स अपने अपने स्टडी मटेरियल में इंक्लूड कर सकते हैं। देन है आपका ऑनलाइन रिसोर्सेज, यूटिलाइज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर वीडियो लेक्चर एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। सॉरी, जैसे कि आप सबको पता है यूट्यूब में आप इतना हेल्पफुल है आज के टाइम में। यूट्यूब से आप कुछ कोई भी टॉपिक कवर कर सकते हैं, कोई भी लाइक कोई भी आपको ऐसा यूनिट वाइज आपको वहाँ पे सारा कुछ कंटेंट मिल जाता है। सो जो आपका ऑनलाइन रिसोर्स है उनको आप यूज़ करिए, ठीक है। इसके अलावा आप किसी भी एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उससे क्या होगा कि आपको प्रॉपर एक गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। देन आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स आपकी क्या रहनी चाहिए, ठीक है। मास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, सबसे पहली जो आपकी मास्टर सॉल्विंग प्रॉब्लम टेक्निक है वो है फोकस ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक ही टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए जा रहे हैं या एक ही टाइप के प्रॉब्लम्स पे ध्यान दे रहे हैं। सारी सबसे पहले डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स को फेस कीजिए, उनको सॉल्यूशन उनका ट्राई करने का, और देन उसको फिर अपने स्टडी में लाइए। लाइक न्यूमेरिकल भी आपको सॉल्व करनी है, कॉन्सेप्चुअल भी आपको सॉल्व करनी है। प्रैक्टिस शॉर्टकट एंड ट्रिक्स टू सेव टाइम ड्यूरेशन एग्जाम। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पास इनफ टाइम है, तो आप अपनी अपने तरीके से कुछ शॉर्ट ट्रिक्स भी बना सकते हैं। लाइक केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज याद करने के लिए कई बार बच्चे कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बना लेते हैं ताकि उनको टेबल पूरी याद हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने अपना कुछ भी कंटेंट भी बना सकते हैं फॉर अपने अपने फायदे के लिए। लाइक इसके अलावा एनालाइज मिस्टेक, इसके अलावा जब भी आप टेस्ट दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स लगा रहे हैं, सो एनालाइज करिए कि आप कितनी एरर्स कर रहे हैं, ठीक है। उनको सही मत कर दीजिएगा कि लाइक जैसे आपके सामने आंसर शीट आ गई है तो आप उसे सही कर देंगे, ठीक है। जब घर पे आप दे रहे होते हैं तो एक मन करते हैं कि बुक्स उठा के देख लेते हैं, नहीं। प्रॉपर एग्ज़ाम जैसे आप देते हैं वैसे एग्ज़ाम दीजिए, उसके बाद बैठिए आराम से और एनालाइज कीजिए पूरा एग्ज़ाम, अपनी एरर्स देखिए, देन उनको फिर ट्राई सही करने का ट्राई कीजिए। अंडरस्टैंड व्हाई यू मेड मिस्टेक टू अवॉइड देम इन फ्यूचर। इससे क्या होगा, अगर आप अभी ये वाली मिस्टेक्स देख लेंगे तो फ्यूचर में आपको ये अवॉइड हो जाएंगी, जब आप एग्ज़ाम टाइम में बैठेंगे वहाँ आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका, ठीक है। टाइम को आपको मस्ट है, ये इसको आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। टाइम एलोकेशन इन एग्ज़ाम, जब भी आप मॉक टेस्ट देंगे,
ठीक है, जब भी आप प्रीवियस ईयर एग्जाम लगाएंगे तो टाइम वाइज आप उसको लाइक अपने ही मन में एक ये रखिएगा कि फिजिक्स के लिए मुझे इतना टाइम देना है, केमिस्ट्री के लिए मुझे इतना टाइम देना है एंड मैथ्स के लिए मुझे इतना टाइम देना है। सबसे पहले आप ये काम करेंगे, मॉक टेस्ट लगा रहे हैं आप या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड आप कुछ भी कर रहे हैं, सो इसमें आपको ये करना है, ठीक है। एंड इफेक्टिवली ड्यूरिंग मॉक टेस्ट एलोकेट टाइम पर क्वेश्चन एंड स्टिक टू इट। पर क्वेश्चन के हिसाब से भी आप टाइम दे सकते हैं, अगर आपको लगता है कि टॉप मतलब सब्जेक्ट वाइज आपका थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो क्वेश्चन के हिसाब से, लाइक किसी क्वेश्चन को आपने 3 मिनट दिया देना है तो आप 3 मिनट ही उसे दीजिएगा, आइदर वो सॉल्व हो रहा है और नहीं हो रहा है, इसका इसके बारे में आप एग्जाम के बाद जब आप मॉक टेस्ट पूरा दे लेंगे तब उसको देखिए कि ये 3 मिनट में आपसे सॉल्व क्यों नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप उसे 3 मिनट का टाइम दे रहे हैं तो उसी टाइम ड्यूरेशन में उसे सॉल्व करिए। नेक्स्ट है आपका स्टे काम अंडर प्रेशर। इफ यू जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है, अगर माइंड रिलैक्स नहीं रहेगा तो आप कोई भी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसीलिए प्रेशर में मत रहिए, बिल्कुल भी प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कंटिन्यूटी रखेंगे और कॉन्सेप्ट के साथ आप अपने एग्जाम्स की तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। मूव ऑन इन एंड रिटर्न इन लेटर टाइम इफ टाइम परमिट्स, ओके। हेल्थ एंड माइंडसेट ये इम्पोर्टेंट है, अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे बीमार हो जाएंगे तो टाइम शेड्यूल में आपकी पढ़ाई के शेड्यूल में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। सपोज आप अपनी आपने एक एक रात 16 घंटे पढ़ाई कर लिया, आप रात भर नहीं सोए हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपका नेक्स्ट डे भी खराब चला जाएगा, ठीक है, और हो सकता है हफ्ते आपके खराब चला जाए। अगर सपोज आपको बुखार हो गया इतनी सी बात नहीं, तो क्या होगा कि आगे के नेक्स्ट जो भी आपका 1 वीक आपने सोचा होगा टाइम टेबल बनाया होगा वो सबका सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। सो आपको हेल्थ का ख्याल रखना है, सबसे पहले स्टे हेल्दी, हेल्दी रहिए, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज मत लीजिए खाइए या कुछ भी ऐसा नहीं कीजिए या खाना न मत छोड़ दीजिए, मेंटेन अ बैलेंस डाइट, एक डाइट बैलेंस रखिए, एक्सरसाइज रेगुलरली ताकि आपका माइंड रिलैक्स रहे, जब भी आप पढ़ के उठें थोड़ी देर योगा कर लीजिए, बाहर घूमने चले जाइए, ऐसा नहीं है कि आप 15-16 घंटे बैठ के पढ़े ही जा रहे हैं पढ़े ही जा रहे हैं, दिस इज नॉट राइट। एंड इंश्योर यू गेट इनफ स्लीप, जैसे कि मैंने आपको बताया सोना बहुत ज़रूरी है, अगर आप सोएंगे नहीं तो नेक्स्ट डे के लिए आप बिल्कुल भी फ्रेश नहीं रह पाएंगे, ठीक है, और इससे आगे के और अगला दिन फिर खराब जाएगा, फिर अगला दिन खराब जाएगा, इस तरीके से आपके सारे दिन वेस्ट हो जाएंगे। योर फिजिकल वेलबींग अफेक्ट्स योर कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, आपकी जो भी फिजिकल की एक्टिविटीज रहेगी वो आपकी परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेगी, ठीक है। फिर है पॉजिटिव माइंडसेट, आपका जो माइंड है वो बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहिए, ऐसा आपके मन में नहीं आना चाहिए कि ये तो बहुत बड़ा एग्जाम है मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी। सो एक प्रॉपर एक पॉजिटिव माइंडसेट लेके चलिए कि मुझे इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, इतना मुझे स्कोर करना है, और पेपर क्लियर हो या ना हो आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, और आप जब एग्जाम देने के लिए बैठ रहे हैं तो आपका वहाँ पे माइंडसेट होना चाहिए कि मैंने इनफ तैयारी की है और क्वेश्चन आएंगे तो मैं उन्हें फेस करूंगा, अच्छे से फेस करूंगा या करूंगी, ठीक है। सो पॉजिटिव माइंडसेट आपका बहुत जरूरी है, स्टे मोटिवेटेड एंड कीप अ पॉजिटिव आउटलुक, विजुअलाइज योर सक्सेस एंड मेंटेन कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस रखिए, ओवर कॉन्फिडेंस या लेस कॉन्फिडेंस मत रहिए, सिर्फ कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस रखिए कि मैंने प्रिपरेशन किया है तो एग्जाम क्लियर होगा। सॉरी, ग्रुप स्टडी आप कर सकते हैं, इसमें क्या होगा कि जब आप ग्रुप स्टडी करेंगे, ओकेजनली स्टडी विद पीयर्स, अपनी पीयर ग्रुप के साथ आप ग्रुप स्टडी करेंगे तो टीचिंग कॉन्सेप्ट टू अदर कैन रीइंफोर्स एंड अंडरस्टैंडिंग। कई बार ऐसा होता है कि कोई टॉपिक ऐसा होता है कि आप उसको स्टक हो गए हैं उस पर, ठीक है, कोई एक ऐसा पॉइंट आपको छूट रहा है आपके हाथ से कि आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, तो जब आप किसी अपने दोस्त के साथ या अपने जो भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं तो वहाँ से कुछ ऐसी चीज़ निकल के आ जाती है कि ओ मतलब मेरा बस ये वाला चीज़ मिस हो रहा था, दैट्स वाई मैं इसको समझ नहीं पा रहा था या पा रही थी, तो वहाँ से आपको हेल्प मिल जाती है। तो पीयर ग्रुप के साथ भी डिस्कस कीजिए जो भी आपके साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये भी आपको हेल्प करेगा। रिविज़न, रेगुलर रिविज़न शेड्यूल जो भी है आपका उसको रिविज़न करिए, ठीक है,
रिवीजन रखिए अपने शेड्यूल में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सपोज आप 7 आवर्स की एक दिन में प्रेपरेशन कर रहे हैं, जिसमें 2 घंटे आप फिजिक्स को दे रहे हैं, 2 केमिस्ट्री को दे रहे हैं, 2 मैथ्स को दे रहे हैं, तो उसमें 1 घंटा प्रीवियस डे का रिवीजन के लिए रखिए। पहले डे के हिसाब से रिवीजन रखिए, फिर वीकली रखिए, फिर मंथली रखिए। इस टाइप से आपको रिवीजन रखना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ करे जा रहे हैं, पढ़ाई करे जा रहे हैं और रिवीजन के लिए टाइम ही नहीं दे रहे हैं। ठीक है, फ्लैश कार्ड आप बना सकते हैं, समरी नोट्स आप बना सकते हैं फॉर क्विक रिव्यू। देन आप 15 सॉरी नंबर 15, फोकस ऑन वीक एरियाज। स्ट्रोंग एरियाज तो आपके जो भी हैं आप कवर कर ही लेंगे। इसके अलावा आपको एक चीज़ और करनी है कि वीक सब्जेक्ट जो भी हैं आपके, उनको थोड़ा टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा दे दीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पास इनफ टाइम है तो पोर्शन को थोड़ा घटा के उसका जो भी टाइम एक्स्ट्रा आपने जो भी टाइम आपने घटाया वो एक्स्ट्रा टाइम आप वीक सब्जेक्ट्स को दे दीजिए। ठीक है, देन आता है आपका फाइनल प्रेपरेशन। ओके, फाइनल प्रेपरेशन में आपको क्या करना है, लास्ट मिनट जो आपकी प्रेपरेशन होती है, आपको क्या करना है, लास्ट मिनट में कभी भी आपको पढ़ाई नहीं करनी है एक्स्ट्रा। सपोज आपका एग्जाम अगले 1 वीक में है, तो आप 1 वीक में कुछ भी नया नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आप लास्ट के 1 वीक में नया पढ़ेंगे तो पिछला आपका सारा का सारा चीज़ खराब हो सकता है। ट्राई कीजिए जो भी आपने 1 वीक आपका नेक्स्ट वीक एग्जाम है, तो आज तक जो भी आपने पढ़ लिया है वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपको उसके लिए एक क्विक रिवीजन की ज़रूरत है, तो वो बस बस वो 1 वीक में आप उसका क्विक रिवीजन ले लीजिए। क्योंकि कई बार आप जब नई चीज़ पढ़ते हैं ना लास्ट टाइम में, तो आप पुराना भी भूल जाते हैं, क्योंकि वो आपको प्रॉपरली हो नहीं पाता और उसके चक्कर में आप इतना उस पर टाइम दे देते हैं कि आप पुराना रिवाइज करना भूल जाते हैं। इसलिए लास्ट मिनट प्रिपरेशन में हमेशा आपको यही चीज़ करनी है कि नया कुछ भी ट्राई नहीं करना है। जो आपका आज से एग्जाम से 1 वीक पहले तक जो भी हो गया है, हिम्मत रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए कि आपने जो भी पढ़ लिया है वो आपके लिए इनफ है। नहीं भी पढ़ा है तो उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, मे बी उसी में से कुछ पोर्शन ऐसा आ जाए घुमा फिरा के, कि आपको अगर अच्छे से वो कॉन्सेप्ट पता है तो आप उसको कर लें। तो लास्ट मिनट आप कभी भी ये वाली चीज गलती मत करिएगा। ठीक है, इन लास्ट मंथ फोकस ऑन रिवाइजिंग एंड सॉल्विंग एज मैनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, एज पॉसिबल, रादर देन लर्निंग न्यू कॉन्सेप्ट। न्यू कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ने हैं, न्यू कॉन्सेप्ट आपको उस 1 वीक से पहले पहले पढ़ने हैं। मैं 1 वीक थोड़ा कम बोल रही हूँ, आपको एटलीस्ट 1 मंथ पहले से ये चीज़ कर लेनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको लगता है 1 मंथ थोड़ा ज़्यादा है, तो कम से कम 1 वीक पहले से आपको ये चीज़ करनी होगी। ठीक है, स्टे अपडेटेड, अपडेट रहिए, हर चीज़ से अपडेट रहिए, एनटीए की वेबसाइट से अपडेट रहिए, ठीक है, सिलेबस से अपडेट रहिए, वेबसाइट को चेक करते रहिए, ठीक है, टॉपिक्स को देखते रहिए, ये सारी चीज़ों से अपडेट रहिए। कीप ट्रैक ऑन एनी चेंज इन द एग्जाम पैटर्न, ठीक है, पैटर्न में कोई चेंज आ रहा है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ प्रिपरेशन में लग गए हैं, बाकी अदर चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो आप अपडेट ही नहीं रह पा रहे हैं किसी चीज़ से। स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है, माइंडफुलनेस एंड रिलैक्सेशन, हमेशा आपको रिलैक्स होके ही प्रिपरेशन करना है। ठीक है, किसी भी चीज़ कोई भी एग्ज़ाम का आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको बिल्कुल रिलैक्स रह के एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना है। अगर आपको लगता है कि थोड़ा आपको चीज़ें आप मतलब स्ट्रेस आ रहा है या कुछ भी आ रहा है, मेडिटेशन कर लीजिए। ठीक है, घूमने चले जाइए, वॉक पे चले जाइए, बीच बीच में गैप ले लीजिए, हो सके तो मूवी देखने चले जाइए एक दिन के लिए, लेकिन स्ट्रेस नहीं रखना है। स्ट्रेस रखेंगे तो आप बाकी सारी चीज़ें भी आपकी खराब हो जाएंगी। ठीक है, डीप ब्रीथिंग टू मैनेज स्ट्रेस, इनहेल इन आउट थोड़ी देर कर लीजिए। ठीक है, बाबा रामदेव का आसन कर लीजिए। ठीक है, देन टेक ब्रेक्स, ब्रेक्स लीजिए, छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए, नॉट लॉन्ग कि आप घूमने चले जाएं कहीं पे, या नहीं, छोटे छोटे ब्रेक्स लीजिए। जैसे कि मैंने बताया, आप एक दिन के लिए मूवी जा सकते हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ आप घूमने चले जाइए, या कहीं भी ऐसे ही रैंडम घूमने चले जाइए। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ाई में ही लग गए हैं पूरी तरीके से, इससे भी आपका माइंड बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। ठीक है, स्केड्यूल शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग स्टडी सेशंस टू अवॉइड बर्नआउट, ठीक है, बर्नआउट को अवॉइड करने के लिए छोटे छोटे से ब्रेक्स आप मैनेज कीजिए। दिस इज स्टार्ट विद हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन, अगर आप हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ ये सारी चीज़ें रखेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, तो डेफिनेटली आपका जो एग्ज़ाम है वो क्लियर होगा। ठीक है, तो गुड लक मेरी तरफ से,
आप लोगों को, और आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे तो सारी। और सबसे बड़ी बात, जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप पॉजिटिव माइंडसेट से रहेंगे, कंटिन्यूटी रखेंगे हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने एक हफ़्ते तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर तैयारी कर ली और एक हफ़्ते फिर ब्रेक ऐसा दे दिया है कि फिर किताब ही उठा के नहीं देखिए, ये नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूटी रखिए, थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा मैनेज कर लीजिए। ठीक है, सो आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगा और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगा। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू।